I hope all of you are very fine and all of you are enjoying your lockdown situation, because only on this time you have got the opportunity to be with your parents, to be with your siblings and share your feeling with them. But in this peaceful situation, I hope all of you are following the instruction that has been given by our government, by Corona Warriors and other persons. बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो सारे निर्देश का अनुसरण कर रहे होंगे जो हमारी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और जो आपके पेरेंट्स के द्वारा दिए जाते हैं और आज हम आपके टीचर भी दे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। माई सेल्फ मिसेस ममता पांडे, पॉलिटिकल साइंस टीचर एंड आई हैव स्टार्टेड क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज पावर शेयरिंग। ए स्ट्रेटजी वेयर ऑल द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी आर प्रोवाइडेड विद अ परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज नोन एज पावर शेयरिंग। ए स्ट्रेटजी वेयर ऑल द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, एक ऐसी कार्य प्रणाली जहां समाज का विभिन्न ग्रुप को पावर दिया जाता है कि वो सरकार की को बनाने में, सरकार के नियमों को बनाने में उनकी हिस्सेदारी हो, वो पावर शेयरिंग होता है। लोगों की भागीदारी कैसे होगी, ये तो बात है। एनीवन, नो वन कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन पावर, ये तो संभव है नहीं कि सभी डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से पावर में हिस्सा लें। तो दिस पावर हैज बीन डिवाइडेड इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट बिफोर नोइंग मोर अबाउट द पावर शेयरिंग, वी हैव टू प्रोसीड अ केस स्टडी। ये सारी बातें पावर शेयरिंग की और भी बातें समझने से पहले हमें जानना होगा एक केस स्टडी के द्वारा कि पावर शेयरिंग है क्या। तो सबसे पहले हम वहां आपको लेके चलते हैं जहां पावर शेयरिंग नहीं था, जहां पावर जो है इक्वल फॉर्म में उस देश के विभिन्न समुदायों के बीच नहीं बांटा गया था। तो क्या स्थिति, when power was not given in the each and among the each and every community of that nation, what happened then? Kya hua? For this we have to move Belgium and Sri Lanka, and after that we have to know majoritarianism. First of all we have to know that what Belgium. Belgium is a small country in Europe. Belgium, आपसे पूछेगा where is Belgium? You can say in Europe. It means in which continent Belgium is? किस महादेश में है, तो आप कहेंगे Europe. But with which countries Belgium shares its border? फिर अगला question होगा कि किसके किसके साथ Belgium की सीमाएं मिलती हैं? तो इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्जमबर्ग। ये बेल्जियम की सीमाएं जो है मिलती हैं फ्रांस से, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्जमबर्ग से। आपको क्लास 10th का जब आप बोर्ड देंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा बच्चों। मान लो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन, गैप रहेगा, आप यूरोप फिल करेंगे। आप जो है करेक्ट द सेंटेंस रहता है, तो इट शेयर
to write France, Netherlands, Germany and Luxembourg. Next is, there is a complex ethnic composition of Belgium. Belgium ki jo population hai, jo wahan ka ethnic composition hai, wo bada hi jatil hai. आप पूछेंगे कि मैम ये इथनिक कंपोजिशन क्या होता है? आई हैव डिफाइंड हियर इथनिक ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल और फिजिकल ऑफ कल्चर और बोथ. कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जब अपने आप को एक ही संतति क्यों मानते हैं. सपोज वी आर इंडियन, वी कंसीडर आवर सेल्फ दैट वी आर इंडियन. हम भारत से बिलोंग करते हैं और हम सभी भारतीय हैं. फिर भारत जब चले आते हैं तो यहाँ का इथनिक कंपोजिशन तो और जटिल है. हर जगह पे भाषाएं रंग बदलती है, वेशभूषा रंग बदलता है, संस्कृति बदलती है. तो हम कहने लगेंगे हम बिहारी है, वो झारखंडी है, वो उत्तर प्रदेश का है, तो इस तरह का. लेकिन वहाँ का इथनिक कंपोजिशन बड़ा जटिल है. अब कहिए कि मैम वहाँ जब भारत में इतनी विभिन्नताएं हैं तो वो आप जटिल नहीं बता रहे वहाँ का? तो वहाँ अलग अलग तरीके से लोगों का विभाजन. Suppose you must know that 59% lives in Flemish region and speak Dutch language. Belgium ka 59% आबादी जो है Flemish region में रहता था. देखो मैंने एक छोटा सा बनाया है मैं. इसमें ये जो north part है वो Flemish region का है. यहाँ 59% लोग जो है ये Dutch बोलते थे. 59%. उसके बाद south जो है 40% बैलोनिया में रहते थे. ये पार्ट बैलोनिया कहलाता है. नीचे का पार्ट क्या कहलाता है? बैलोनिया कहलाता है. यहाँ के लोग क्या बोलते थे? ये बोलते थे फ्रेंच. याद रखिएगा इन फ्लेमिश रीजन पीपल स्पीक टू डच एंड इन बैलोनिया फ्रेंच. अब क्या होता था, ये ब्रुसेल्स है तो यहाँ ये जो है कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. यहाँ 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे. यहाँ फ्रेंच बोलने वाले की आबादी ज़्यादा थी. और अगर पूरे देश की बात की जाए तो डच बोलने वाला ज़्यादा था. लेकिन अगर कैपिटल में आ जाए तो 80% जो है फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% डच बोलने वाले थे. वहाँ यहाँ ये जो है कैपिटल सिटी में ये माइनॉरिटी नहीं होकर के माइनॉरिटी हो जाती थी. इस वजह से यहाँ का इथनिक कंपोजिशन थोड़ा जटिल था. फिर से एक बार अगर पूरे देश की बात की जाए तो डच बोलने वाले जो थे वो माइनॉरिटी में थे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल कंट्री कैपिटल ऑफ बेल्जियम इट मींस ब्रुसेल the majority population is French and minority population is Dutch and French were powerful and wealthy. This brings alienations among Dutch people. French की आबादी capital में ज़्यादा थी, वो powerful ज़्यादा थे, उनके पास संपत्ति ज़्यादा थी, एजुकेशन के मामले में आगे थी. तो ये बात खरी डच लोगों. तो उन्होंने क्या किया कि आवाज़ उठाई कि आबादी जो है किसी की ज़्यादा है और वो पावरफुल कम है, उसे उसमें शिक्षा का अभाव है, उसको प्रॉस्पर कम है, समृद्ध कम है. तो उसके बाद आगे क्या हुआ, एकोमोडेशन कैसे हुआ, इसकी बात हम बाद में करेंगे. पहले अब आइए श्रीलंका के बारे में जानें. क्योंकि हमने बताया कि आपको दोनों देश लेकर के चलेंगे, पहले बेल्जियम फिर उसके बाद श्रीलंका, फिर बताएंगे मेजोरिटेरियनिज्म क्या है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप.
बैलोनिया